हेलो एवरीवन, क्वेश्चन 11 देखिए। इसमें हमें क्या दिया है, ए प्लस आयोटा बी इक्वल दिया है एक्स प्लस आयोटा का स्क्वेयर डिवाइड में 2x² + 1, और हमें प्रूव करना है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इक्वल है x² + 1 का होल स्क्वेयर। ओके, और डिवाइड में है यहाँ पर 2x² + 1 का होल स्क्वेयर। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ए और बी की वैल्यू फाइंड करूँगा। ए प्लस आयोटा बी इक्वल हमें क्या गिवन है, एक्स प्लस आयोटा का स्क्वेयर। ओके, और डिवाइड में हमारे पास 2x² + 1, तो यहाँ पर एक्स प्लस आयोटा का स्क्वेयर है। यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे ए प्लस बी का स्क्वेयर, ये क्या होता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। ओके, तो हमारे पास ए की जगह क्या है एक्स और बी की जगह क्या है आयोटा। ओके, तो ए प्लस आयोटा बी इक्वल, यहाँ पर ए बी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे ए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वेयर और यहाँ पर आयोटा का स्क्वेयर और प्लस 2 आयोटा इंटू एक्स। ओके, डिवाइड में हमारे पास क्या है 2x² + 1। अभी यहाँ पर आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू क्या होती है, आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू होती है -1। ओके, तो जहाँ पर आयोटा स्क्वेयर है वहाँ पर वैल्यू 1 रखते, -1 रख देते हैं। यहाँ पर है आयोटा स्क्वेयर, तो यहाँ पर ये वैल्यू रख देंगे हम एक्स स्क्वेयर और -1 और प्लस 2 आयोटा इंटू एक्स। ओके, डिवाइड में हमारे पास क्या है 2x² + 1। ओके, अभी मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ, रियल पार्ट अलग लिख देता हूँ, इसका इमेजिनरी पार्ट अलग, मतलब जिसके पास आयोटा है वो अलग लिखूँगा और जिसके पास आयोटा नहीं है वो अलग लिखूँगा। जैसे डिवाइड में आयोटा नहीं है तो ये हम दोनों के नीचे लिखेंगे, जैसे हमारे पास x² - 1 के पास कोई आयोटा नहीं है तो इसको अलग ले लेता हूँ मैं, और डिवाइड में इसके 2x² + 1। ओके, और प्लस आयोटा मैंने यहाँ का आयोटा मैंने बाहर लिख लिया है, अंदर क्या बचेगा यहाँ पर 2x, और डिवाइड में ये दोनों के नीचे अलग अलग आ जाएगा 2x² + 1। ओके, तो ये हमने अलग अलग कर लिया है। देखिए अभी हमारी कंपेयर करें, अगर ए प्लस आयोटा बी से हम कंपेयर करें इसको, तो ए की जगह हमारे पास रियल पार्ट क्या है, ए इक्वल है हमारा x² - 1 डिवाइड बाय 2x² + 1। ओके, और बी की जगह हमारे पास क्या है, बी इक्वल है हमारा 2x और 2x² + 1। ओके, तो हम ए का स्क्वेयर करेंगे, सबसे पहले ए का स्क्वेयर करेंगे, तो यहाँ पर स्क्वेयर हो जाएगा पूरे का x² - 1 डिवाइड बाय 2x² + 1, इस पूरे का स्क्वेयर। ओके, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वेयर अलग अलग कर सकते हैं, जैसे एक्स का स्क्वेयर -1 का स्क्वेयर और इस पूरे का स्क्वेयर, और यहाँ पर 2x² + 1 का स्क्वेयर। ओके, अभी हम ऊपर देखिए, ऊपर हम वापस यही फॉर्मूला यूज करेंगे जो ए प्लस बी का स्क्वेयर यहाँ पर यूज करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास ए की जगह क्या है x² और बी की जगह क्या है -1, तो इसे मैं ऐसे लिख देता हूँ, एक्स का स्क्वेयर है पहले से ही और इसका स्क्वेयर हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर -1, अगर माइनस हो बीच में तो यहाँ पर ये माइनस का साइन आ जाता है। ओके, तो प्लस बी का स्क्वेयर 1 का स्क्वेयर 1 ही रहेगा, और -2 × 1 × x². ओके, और डिवाइड में हमारे पास क्या है 2x² + 1 का स्क्वेयर। ओके, इसी प्रकार हम बी का स्क्वेयर करेंगे तो देखिए इस 2x डिवाइड बाय 2x² + 1 का स्क्वेयर हो जाएगा। ओके, तो 2 का इनका स्क्वेयर अलग कर लेते हैं हम, 2 का स्क्वेयर हो जाएगा यहाँ पर, और डिवाइड में 2x² + 1 का होल स्क्वेयर हो जाएगा। ओके, 2 का स्क्वेयर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और x का स्क्वेयर करेंगे तो x². ओके, और फिर नीचे क्या है हमारे पास 2x² + 1 का होल स्क्वेयर। ओके, अभी हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ओके, देखिए ये
दोनों दोनों को ऐड करेंगे, इनको, इसको और इसको। ए स्क्वेयर मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, ए स्क्वेयर हमारे पास इक्वल क्या है, एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर और यहाँ पर प्लस वन और माइनस टू एक्स स्क्वेयर। ओके यही है ए स्क्वेयर, और इसके डिवाइड में क्या है, टू एक्स स्क्वेयर प्लस वन का होल स्क्वेयर। ओके और बी स्क्वेयर हमारे पास क्या है, बी स्क्वेयर इक्वल हमारे पास क्या है, बी स्क्वेयर की वैल्यू फोर एक्स स्क्वेयर और डिवाइड में हमारे पास टू एक्स स्क्वेयर प्लस वन का होल स्क्वेयर। ओके अगर ए और बी को हम ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर को ऐड करें तो देखिए ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इक्वल देखिए डिवाइड में दोनों के सेम है तो डिवाइड में हम कॉमन ले लेते हैं। ओके डिवाइड में अगर हम कॉमन लेंगे तो जैसे मैं वन बाय टू एक्स स्क्वेयर प्लस वन को यहाँ पर कॉमन ले लेता हूँ। ओके तो अंदर क्या बचेगा, अंदर देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर है और प्लस वन है और यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस टू एक्स स्क्वेयर है और प्लस में हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, फोर एक्स स्क्वेयर। ओके अगर इसे हम सोल्व करें तो वन अपॉन टू एक्स स्क्वेयर प्लस वन का स्क्वेयर, ये तो हम बाहर ही रखेंगे, अंदर यहाँ पर एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर प्लस वन और यहाँ पर कितना बच जाएगा, प्लस देखिए ये माइनस का टू एक्स स्क्वेयर है और ये प्लस का टू फोर एक्स स्क्वेयर है तो कितना बचेगा, प्लस का टू एक्स स्क्वेयर। ओके और यहाँ पर हम वापस यही फॉर्मूला यूज करेंगे, देखिए ये जो डिवाइड में है, जो डिवाइड में ये तो एज इट इज रहेगा टू एक्स स्क्वेयर प्लस वन का होल स्क्वेयर। ओके ये तो एज इट इज रहेगा, अब की बार यही वापस हमारे पास ए की जगह है क्या है, ए इक्वल है हमारे पास यहाँ पर एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर है और प्लस बी इक्वल है हमारे पास यहाँ पर वन, तो इसे हम वापस यही फॉर्मूला यूज कराऊँ मैं ए प्लस बी का स्क्वेयर। यहाँ पर इसके लिए ए की जगह हमारे पास एक्स स्क्वेयर है और बी की जगह हमारे पास वन है। ओके तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए एक्स स्क्वेयर प्लस वन का होल स्क्वेयर, अगर हम ये स्क्वेयर खोलेंगे तो वापस हमें यही मिल जाएगा। ओके हमें यही प्रूव करना था कि ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इक्वल है हमारा एक्स स्क्वेयर प्लस वन का होल स्क्वेयर डिवाइड में टू एक्स स्क्वेयर प्लस वन का होल स्क्वेयर, जो हमने कर दिया, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इक्वल है हमारे पास ही। ओके तो थैंक यू गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।